Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe Learn with Hina channel to get all the notification about the latest video whichever I am uploading. Do join Telegram channel for getting all the updates over there. So you can also follow me on Anacademy. I am an educator on Anacademy. Just type my name Hina Jain. You will be seeing my profile and you can easily follow me from there. Now, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो आज हम डिटेल में करने वाले हैं. एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वेयर इन द इंटेंटेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड. नाउ सबसे पहले देखो ये लाइन सुन के थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा बट मैं थोड़ा डिटेल में और समझा देती हूँ अच्छे से आपको. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है. मान लो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंडर हूँ ठीक है. मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझा रही हूँ ठीक है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं आपको करवा रही हूँ ठीक है. अब जो चलो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हम समझ लेते हैं कि मुझे आपको कुछ मैसेज कन्वे करना है. कुछ भी मैसेज देख लेते हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MCQ सीरीज़ हम पेपर वन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं. इस तरीके से करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सब मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल. अब ये मैं मैसेज आपको भेज रही हूँ ठीक है ऑडियो के थ्रू. ये मैसेज आप रिसीव करते हो. अब जैसे मैं आपको ये मैसेज समझाना चाहती हूँ ठीक उसी तरीके से अगर आप उसको समझते हो तो ये हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब अगर जब मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ आपके आसपास में कुछ नॉइज़ चालू हुआ है ठीक है तो उसके वजह से आपको वो सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. तो अब क्या होता है पता है मैं आपको सपोज बोल रही हूँ कि MCQ सीरीज़ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपने अगर बाई चांस सुन लो कुछ और वर्ड वहाँ पर सुन लिया है तो उस वजह से जो मैं आपको समझाना चाहती थी आप वो तो नहीं समझे पर कुछ और ज़रूर समझ गए. तो उस वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इनइफेक्टिव हो जाती है. तो आई होप आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. इन अदर वर्ड्स द कम्युनिकेशन इज सेट टू बी इफेक्टिव व्हेन ऑल द पार्टीज दैट इज द सेंडर एंड रिसीवर दो पार्टी होते हैं इन द कम्युनिकेशन असाइन सिमिलर मीनिंग टू द मैसेज मतलब दोनों सेम मतलब समझते हैं एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट ऑल हैव बीन सेड एंड मेक द सेंडर फील हर्ड एंड अंडरस्टूड मतलब सुन के अच्छे से समझ लेता है सही जो उसे बोलना जो सेंडर बोल रहा है. इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव इफ द इंफॉर्मेशन शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉय कंपनी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल सक्सेस. तो क्या बोला गया है अगर हम बिजनेस सेंस पे बात करें तो कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा जब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ में वो कंपनी को बोलते ना मॉनिटरी बेनिफिट दे कमर्शियल बेनिफिट दे. द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स नॉट जस्ट द वे यू यूज द वर्ड्स बट ऑल्सो कवर्स सेवरल अदर स्किल्स सच एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ability to understand your own emotions as well as of the other person with whom you are communicating, engaged, listening, ability to speak assertively, etc. So, क्या बोला गया है effective communication सिर्फ ये नहीं include करता है कि आप कैसे बोल रहे हो but ये भी देखता है कि आप आपके पास में दूसरी कौन सी स्किल्स है मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है आप जब सामने वाले को कुछ बताना चाह रहे हो तो आप है ना उसकी बात को भी ध्यान दे रहे हो आप आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो किस तरीके से आप बात कर रहे हो पॉजिटिवली बोल रहे हो नेगेटिवली बोल रहे हो ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में. तो मैंने आपके साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग तो अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अब कुछ बैरियर्स बता देती हूँ जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में आ जाते एक रुकावट बन के. तो अगर हम बात कर लें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो सबसे पहला आता है आपका सिमेंटिक बैरियर्स उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स एंड लास्ट आपका आ जाता है पर्सनल बैरियर्स. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके इन डिटेल आपको एक एक बैरियर्स समझाने वाली हूँ
टिल देन अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी कुछ कन्फ्यूजन हो या इसके पहले वाले क्लासेस में भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना लर्न विद हिना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड हो सके उतना आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।